आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में क्या हमें क्या बोल रहा है कि कंप्लीट कंबशन के बाद 1 लीटर जो पेट्रोल है वो हमें कितनी एनर्जी सप्लाई करता है, 3 × 10⁻⁷ जूल। तो इन्होंने बोला है कि अगर एक टेस्ट ड्राइव में एक कार जिसका वेट है 1200 kg, ओके इंक्लूडिंग द मास ऑफ ड्राइवर, वो 15 किलोमीटर रन करती है पर लीटर, ओके व्हाइल मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है। तो उसके बाद हमें बोला है कि अगर हम फ्रिक्शन की जो फोर्स है उसको यूनिफॉर्म मानते हैं तो हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, अगर एफिशिएंसी कितनी है 0.5। सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एनर्जी सप्लाइड कितनी है? एनर्जी सप्लाइड पर लीटर वो है 3 × 10⁻⁷ जूल, राइट। बट एफिशिएंसी है 0.5, तो एनर्जी यूटिलाइज्ड कितनी होगी? एनर्जी यूटिलाइज्ड पर लीटर इज 3 × 10⁻⁷ × 0.5, राइट। से आ जाएगा 1.5 × 10⁻⁷ जूल। और उसने 15 किलोमीटर रन भी कितना किया है? पर लीटर किया है, राइट। तो एनर्जी कितनी यूटिलाइज की होगी उसने? 1.5 × 10⁻⁷ जूल। अब वो हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, ये तो एनर्जी होगी, वो किस में लॉस हो जाएगी? फ्रिक्शन में। सो फ्रिक्शन लॉसेस, जो फ्रिक्शन लॉसेस होंगे वो किसके इक्वल हो जाएंगे? ई के इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो फ्रिक्शन में कितना लॉस किया होगा? वो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स यूनिफॉर्म है। सो एफ इंटू एस इज इक्वल टू ई, यहाँ से एफ आ जाएगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो आ जाएगी ई बाय एस। ई हमें कितना गिवन है? 1.5 × 10⁻⁷, और एस डिस्टेंस कितना गिवन था? 15 किलोमीटर, उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 15 × 10⁻³ आ जाएगा, राइट। तो ये सॉल्व करके आएगा 1000 न्यूटन, ओके। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 1000 न्यूटन आ गई, यही मेरे को कैलकुलेट करना था। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।